हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय विजय कुमार सेठी। और आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज टाइट्रेशन। क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स और एपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टाइट्रेशन में काम आएंगे। सबसे पहले, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? Volumetric analysis is often referred to as titration, a laboratory technique in which one substance of known concentration and volume is used to react with another substance of unknown concentration. Or we can also say, titration is a technique used in analytical chemistry to determine concentration of unknown solutions by using solutions of known concentration. Solution of known concentration is known as titrant, while solution of unknown concentration is known as analyte in titration technique. Types of titration. Generally, titration वैसे कई तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ को देख रहे हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, redox titration, precipitation titration, complexometric titration. इसके अलावा आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में भी सुनते हैं। लेकिन जो 11th और 12th में हमारे पास काम आएगी वो ये होगी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रिडोक्स टाइट्रेशन। इनमें भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को हम क्लास 11th में करते हैं और रिडोक्स टाइट्रेशन को हम क्लास 12th में करते हैं। टाइट्रेशन में जनरली दो सोल्यूशन काम आते हैं। एक होता स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सॉल्यूशन विद अ नोन कंसेंट्रेशन और स्ट्रेंथ, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है। और जनरली स्ट्रेंथ को हम मोलरिटी के अंदर या ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइट्रेंट भी कहते हैं। दूसरा सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं आप अननोन सॉल्यूशन, हुज स्ट्रेंथ इज टू बी डिटरमाइंड, जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता करनी है, और इसको हम एनालाइट भी बोलते हैं। इंडिकेटर, a substance that changes color in response to a chemical change and indicates that end point has reached. ठीक है ना, end point क्या होता है अभी हम discuss करेंगे। For example, phenolphthalein and methyl orange, these are the indicators which are used in acid-based titration. And potassium permanganate, this is act as a self indicator in redox titration. अब एंड पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। और इससे जस्ट पहले एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट इज आल्सो नोन एज स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट इन टाइट्रेशन। ड्यूरिंग टाइट्रेशन द पॉइंट एट विच द एडेड टाइट्रेंट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू द एनालाइट इन द सैंपल इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। और बहुत ही सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं, ये वो पॉइंट होता है जहां पर टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, इट गिव्स द पॉइंट वेयर रिएक्शन एंड्स। जनरली एंड पॉइंट कम्स आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर? अब देखेंगे हम कौन कौन से अपरेटस काम में आते हैं टाइट्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपरेटस विच आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, केमिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वाज ग्लास और बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फनल, वाश बोतल, ड्रोपर, स्पेचुला। और आपको, आप इनको इन डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये केमिकल बैलेंस, और इसमें जनरली हम वेट्स काम में लेते हैं, तो ये वेट बॉक्स। लेकिन आजकल सभी लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काम में ली जाती है, ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ऐसे भी हो सकती है या ऐसे ओपन भी हो सकती है। ये सॉलिड सब्सटेंस को आपको, जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें बनाना है, उसको वेट करने के लिए हम या तो वाज ग्लास काम में ले सकते हैं या बीकर काम में ले सकते हैं। ये वाटर भरने के लिए काम में लेता है, जहां भी वाटर को यूज में लेना होता है हम वाश बोतल को काम में लेते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी कि कितने ml का हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए हम ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं। तो ये कितने ml का है वो इसके ऊपर लिखा रहता है। और यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट तक यदि आप कोई सॉल्यूशन भरेंगे तो वो 250 ml होगा। ये 100 ml, 500 ml, 1000 ml के अंदर भी अवेलेबल होता है। ये फनल है, ये ड्रोपर है,
और ये स्पेचुला है, क्लियर। अब वो एपरेटस जो कि एक्चुअल टाइट्रेशन में काम आते हैं उनके नाम हमारे पास ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क और टाइट्रेशन फ्लास्क, फनल, वॉश बोटल एंड वाइप टाइप। ये ब्यूरेट है। जनरली जो स्कूल लेवल पर जो टाइट्रेशन हम करते हैं उसके अंदर ही 50 ml कैपेसिटी की ब्यूरेट काम में आती है, ओके। ये जीरो से लेकर के 50 ml तक, और इसको स्टैंड पे लगाया जाता है, दिस इज ब्यूरेट स्टैंड। ये पीपेट है। पीपेट आपके पास 10 ml हो सकता है, 20 ml हो सकता है, 25 ml हो सकता है। ये 20 ml की पीपेट दिखाई गई है, जो आपको इसका जो ये बल्ब है इस पे देखने को मिलेगा, ये 20 ml लिखा हुआ है। और इसके अंदर भी एक मार्क आपके पास होगा, इस मार्क तक यदि आपको आप लिक्विड इसमें सक करके इस मार्क को मेंटेन करते हैं तो वो उस वॉल्यूम को इंडिकेट करता है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये भी आपके पास 100 ml, 250 ml या 500 ml के अंदर अवेलेबल हो सकता है। ये फनल है, ये वॉश बोटल है और ये वाइट टाइल है। एक्चुअली इस वाइट टाइल को यहां रखने में काम में लेते हैं, इस ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर फिर इस कॉनिकल फ्लास्क को रखा जाता ताकि जो कलर चेंज होता है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सके। ये इस टाइट्रेशन का सेटअप है, ये आपके पास ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है, इसके ऊपर ये अपने ब्यूरेट को फिक्स कर रखा हुआ है। ये पीपेट से आपने कोई भी एक सॉल्यूशन ट्रांसफर करके आप इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, मतलब पीपेट से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं और फिर इस पीपेट से ड्रॉप ड्रॉप करके इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये सॉल्यूशन गिरता है और एंड पॉइंट जो भी हमारे पास आता है उस समय हम इसकी रीडिंग को नोट करते हैं ब्यूरेट के अंदर, ओके। अब ये रीडिंग को हम कैसे नोट करेंगे, तो इसके लिए एक टर्म हमारे पास आता है मेनिस्कस। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मेनिस्कस होता क्या है। मेनिस्कस ऑफ ए लिक्विड इज द अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व सीन एट द टॉप ऑफ ए लिक्विड इन अ कंटेनर। द नेचर ऑफ कर्व वेदर अपवर्ड दैट इज कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड कॉनकेव डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड इट्स एडेशन कैपेसिटी टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। यदि आपके पास कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है, इसका मतलब क्या है? It appears when the molecules of liquid are strongly attracted to the container wall rather than to each other. यानी कि जो लिक्विड आपने भरा है उस लिक्विड यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और लिक्विड और जो कंटेनर की वॉल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। In that case, liquid appears to stick from the edges forming a concave shape. Convex meniscus, it appears when molecules of liquid are strongly attracted to each other rather than to the wall of container. ये देखिए, most liquids, generally laboratory में हमारे पास aqueous solution हम काम में लेते हैं, including water, show a concave meniscus. ठीक है ना, aqueous solution में जो भी लिक्विड आपके पास होता है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है। ये कॉनकेव मेनिस्कस इस तरह से होगा, ओके, लाइक दिस, ये इस तरह से बनेगा। बट अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ए कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज लिक्विड मर्करी इन ए ग्लास कंटेनर। ये आपके पास ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, लेकिन हमारे पास ये इसी तरह का मेनिस्कस लेबोरेटरी के अंदर काम आएगा टाइट्रेशन के अंदर। अब बात आती है कि हाउ टू रीड अ मेनिस्कस करेक्टली, इसको रीडिंग को आप मेनिस्कस को कैसे आप पढ़ेंगे। यू मस्ट गेट एट आई लेवल विद द मेनिस्कस टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रीडिंग, यानी कि वो मेनिस्कस आपकी बिल्कुल आंखों के पैरेलल रहना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या करना है, पिक अप द ग्लास वेयर टू ब्रिंग इट अप टू आई लेवल, या तो उसको हाथ में लेकर के अपने आंखों के लेवल पे बराबर लाइए या बेंड डाउन टू मेक अ मेजरमेंट, या नीचे आप झुकिए, ओके। The key to getting an accurate reading is to measure the center of the meniscus, whether it be concave or convex. है ना, हमें सेंटर से रीडिंग लेनी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। और यदि सेंटर की बात करते हैं तो यदि कॉनकेव मेनिस्कस है तो मेजर द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस एंड फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस टेक द रीडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, ओके। ये आपको ब्यूरेट रीडिंग और डायग्राम से समझा गया है।
और इवन पीपेट के अंदर भी जब हम सॉल्यूशन को सक करेंगे तो देखिए यदि अच्छा यहाँ पर कलरलेस और कलर्ड सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो पहले उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। इफ वी आर एबल टू सी द लोअर पार्ट ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस वी रीड द लोअर मेनिस्कस वेदर सॉल्यूशन इज कलरलेस और कलर्ड। क्लियर। यदि आपको ये वाला देखिए जनरली एक्वा सॉल्यूशन काम ले रहे हैं तो उसके अंदर कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, तो कॉनकेव मेनिस्कस का जो लोअर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। तो ये आपके पास एक पिपेट का सेक्शन दिखा रखा है, तो आपको यहां तक लिक्विड आपको भरना है। ओके। और यदि ब्यूरेट की भी आप बात करते हैं तो ब्यूरेट के अंदर भी देखिए, इसके अंदर यदि ब्यूरेट की रीडिंग आप लेंगे तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी, यहाँ पर ये 24 है, यहाँ पर ये 25 है और ये लोअर वाला पार्ट देखिए दिस वन, ठीक है, दिस ये आपके पास आ रहा 24.5 पर। तो आई थिंक ब्यूरेट में रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी कैसे लेनी हो, ठीक है, चाहे कलरलेस हो चाहे कलर्ड, यदि लोअर पार्ट आपको नजर आ रहा है तो आपको लोअर पार्ट से ही रीडिंग लेनी है। लेकिन जब आप 12th क्लास में रिडोक्स साइटेशन करते हैं तो वहां पर हम ब्यूरेट में लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और ये काफी डार्क होता है, तो फोर सॉल्यूशंस लाइक परमैंगनेट वेयर लोअर मेनिस्कस इज नॉट विजिबल वी यूज अपर मेनिस्कस। ओके। तो ये आपके पास ये अब देखिए यहाँ पर आपको ये नीचे वाला इस तरह का जो है ये यहाँ पर ये वाला ऐसे नजर नहीं आएगा, तो आपको ये रीडिंग आपको यहां से लेनी। ओके। तो इसके अंदर यदि आप रीडिंग देखें तो दिस इज 2.9 ml। ओके। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। वंस अगेन थैंक यू।